हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। कौशिका एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए ग्रुप थ्योरी की क्लासेस चल रही थी, तो ग्रुप थ्योरी में आगे मैं एक आपको बताया भी था अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप डिस्कस करने जा रहा हूँ। अंडर मल्टीप्लिकेशन फाइनाइट ग्रुप है ना, फाइनाइट ग्रुप जो अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, उसको यूनिट ग्रुप बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, यूनिट ग्रुप। जरा इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं पहले हम। मैंने यू एन, मैंने माना लेट लेट यू एन UN is equal to, जरा देखेंगे, A belongs to natural number, A belongs to natural number, मतलब हमको UN set में, UN set में collection लेना है किसका? Set of natural number का, ठीक है? Set of natural number का collection लेना है। उसके बाद आगे चलते हैं, है ना? उसके बाद such that, such that का sign मारो, आप such that आप ऐसे भी use कर सकते हैं, जरा देखें, such that आप ऐसे भी use कर सकते हो, लेकिन मैं जो है, मैं क्या करता हूँ, मैं line खींचता हूँ, है ना? Line ध्यान देंगे। Such that कैसा होना चाहिए? जिसका GCD, GCD, GCD मैं बता चुका हूँ एक क्लास में, GCD क्या होता है? इस वो कलेक्शन होगी नेचुरल नंबर का, कि नेचुरल नंबर ये ले लिया आपका जो कहीं ले हो, और इस n के साथ जो n रख रखे हैं हम, उस n के साथ क्या दे? वो वन दे। GCD मतलब ये दोनों आपस में क्या है? रिलेटिवली प्राइम है। ये दोनों आपस में क्या है? रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, अब आपको भाई a की वैल्यू लेनी कहां पर है? भाई नेचुरल नंबर में तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, a की वैल्यू लेनी कहां पर है आपको? a की वैल्यू या एंड लिख सकते हो, कोमा लगा सकते हो। a की जो वैल्यू लेनी है, जो हमारा नेचुरल जो नंबर लिखा होगा, जो यहां पर n लिखा है, ये जो n लिखा है, ये जो n लिखा है, तो यहां पर लेनी है, यानी जो a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a और ये ग्रेटर इक्वल टू 1। आपको पता है भाई 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, तो ये क्या कहलाता है? यूनिट सेट या यूनिट ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या है? इस सेट टू बी या इस फॉर्म, ये जो सेट है इस फॉर्म करेगा, फॉर्म अ ग्रुप, ग्रुप बनाएगा ग्रुप, और ग्रुप में कैसे? अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या बनाएगा? ये ग्रुप बनाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि ग्रुप बनाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, कैसे होंगे, वो बात की बात है। यूएन हमने अभी तक ये जाना कि यूएन है हमारा, हमने ये जाना अभी तक, मैंने ये बताया जो यूएन है आपका, तो क्या जाना है यहाँ पर, ये जाने हम अभी तक एक ग्रुप बनाना ओवर मॉडुलो एन। अब इसमें इनवर्स एलिमेंट कैसे निकालेंगे, है ना? अब मान लिया इनवर्स एलिमेंट कैसे निकाला उसको मैं दिखा रहा हूँ। एंड अगर मान लिया ए एलिमेंट है किसका? यूएन का, किसी ए एलिमेंट है मेरा, देन इनवर्स Inverse, then के बाद हम देखते हैं inverse of A। A क्या होने वाला है? जरा देखें inverse of A क्या होने वाला है? तो A dot B, inverse of A ऐसा लिख देते हैं, inverse of A is B लिख दिया। कैसे? That is या such that लिख सकते हैं, such that लिखे ज़्यादा सही है, such that कैसा कि a dot b करने पर वैल्यू 1 आनी चाहिए, वैल्यू 1 आनी चाहिए मॉडुलो n लगाने पर, है ना? मॉडुलो क्या लगाने पर? n लगाने पर, मॉडुलो n लगाने पर। और मॉडुलो n लगाना सिखा चुका हूं आपको, कि या फिर ये कह सकते हो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे? तो डेफिनेशन दोबारा देखिए इसकी, जरा क्या था कि un एक सेट होगा, un में जो एलिमेंट होंगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होंगे, और वो एलिमेंट दिए जाएंगे नेचुरल नंबर से जिसका GCD इसके साथ, इस n के साथ क्या दे? 1 दे। और a जो हो जाएगा, a क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 1 फॉर n, और ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस फॉर्म में ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये बात ध्यान रखनी है, ओवर मॉडुलो n। मॉडुलो n आपको जान ही चुके हैं, जब नंबर हमारे सेट से बाहर जाता है तब मॉडुलो n लगाते हैं, मैंने ZN में बता रखा है। तो UN जो है आपका ग्रुप बना रहा अंडर मल्टीप्लिकेशन। जरा इसके लिए मैं एक काम करता हूं, एक एग्जांपल उठाता हूं आपके सामने, मैंने उठा दिया कोई एग्जांपल दो आपके सामने। U4 उठाया, U4 में कैसे एलिमेंट आने वाले जरा देखें, कलेक्शन नेचुरल नंबर का आने वाला है, उसके बाद जिसका GCD, जिसका जीसीडी इस ए का 4 के साथ बंद है, ओके, और आपको वैल्यू कहां पर लेंगे? लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर इक्वल टू 1 लेंगे। ठीक है, ये लेंगे। अब जरा देखें इसका सिर्फ काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ए की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो आप? 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। ये रेंज डिफाइन करता है ए में क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि ए कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद
लेना कौन सा, ये कंडीशन तो होल्ड हो गई, इसके इसके अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट आ रहे हैं। अगर इसकी और इसकी बात की जाए तो इन दोनों दोनों कंडीशन की बात की जाए सर, अगर दो कंडीशन की बात की जाए कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर और वन से कहां तक फोर तक तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं, चार एलिमेंट आ रहे हैं। अब उसके साथ भी वो एलिमेंट ले लें जिनका जीसीडी, जिनका जीसीडी भाई इसके अकॉर्डिंग एक मिनट देखिए जरा क्या क्या एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 चार तो आए, अब जरा देखिए चार आ जाएंगे, अब चार तब ही आएंगे अगर इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। अब जरा देखें जीसीडी देखते हैं आपके सामने 1 और 4 का 1 और 4 का तो 1 होता है, चलो इसको कंसिडर कर लिया जाएगा। चलो आगे चलते हैं जीसीडी देखते हैं, जीसीडी किसका, जीसीडी किसका 2 और 4 का क्या होता है भाई, 2 होता है, है ना, 1 नहीं होता, तो इसको आप नहीं लेंगे, 2 नहीं आएगा हमारे सेट में। उसके बाद जीसीडी किसका, जीसीडी देखेंगे किसका, जीसीडी देखेंगे 3 और 4 का क्या होता है, 3 और 4 का जीसीडी क्या होता है भाई, आपका क्या आएगा 1 आएगा, तो ये कंसिडर कर लिया जाएगा। और 4 और 4 का जीसीडी क्या होता है, हमेशा कोई भी नंबर हो दोनों नंबर सेम हो उसका जीसीडी वही नंबर होता है ना, ये 4 होगा जो कि नॉट इक्वल टू आपका 1 है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यानी आपने देखा, हमने देखा कि आपका 1 और 3 आपके सेट में आ गए, किसमें यू, यू 4 में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 और 4 आ रहे हैं, 1 और 3 सॉरी 1 और 3 एलिमेंट आ रहे हैं। अब ये ग्रुप बनाएगा नहीं बनाएगा जरा देखें, ग्रुप के लिए क्या क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्लोजर होनी चाहिए, होल्ड एसोसिएटिव होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए। जरा ध्यान देंगे, जरा ध्यान देंगे कि हमारा अभी हम जाने यू फोर जो था, यू फोर में कौन कौन से मेंबर थे हमारे, ये 1 है और 1 3 है। मैंने कहा इस बनाएगा क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा, इसका बनाएगा एक ग्रुप बनाएगा अंडर 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 एडिशन सॉरी अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर ओवर ओवर ये लिखा है, ओवर ओवर मॉडुलो मॉडुलो आपका 4, मॉडुलो 4 पर बात की जाएगी, मां एंड पर बात होगी। जरा देखना क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी जो होगी हमारी, जो सबसे पहली जीवन प्रॉपर्टी है क्लोजर, क्लोजर क्या होने वाली है, क्लोजर क्या होती है, 4 और कोई ए बी कोई भी दो एलिमेंट क्लोज कराओ किससे, यू 4 से, और उनका प्रोडक्ट भी कहां पहुंचना चाहिए, ए डॉट बी कहां पहुंचना चाहिए, यू 4 में पहुंचना चाहिए। जरा ध्यान दें प्रोडक्ट करके देखते हैं जरा भाई, 1 और 1 का 1 और 3 का प्रोडक्ट क्लियर आएगा, यू 4 में पहुंच गया, चलो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 इनटू 1 कर सकते हैं तब भी 1 ही आएगा, तब भी किसमें पहुंच गया, यू 4। आप कह रहे हो कि भाई 1 इनटू 1 क्यों कर लिया, क्योंकि ए और बी डिफरेंट नहीं, सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं आपके, आपको हर एक नंबर 4 होगा, इसका मतलब 4 होगा ना हर एक नंबर, अगर 3 टू 3 करोगे क्या आएगा, अगर ध्यान दें तो 9 आएगा। अब 9 तो आपके सेट में है, मैंने ये कहा 9 तो सेट में है, तो 9 को कैसे ऑपरेट करोगे, मॉडुलो 4 के साथ, तो मॉडुलो 4 इसमें लगाने पर ये क्या आएगा, ये कितनी बार पूरा का पूरा कट हो जाएगा, देखिए 4 टू 8 हो जाएगा, 4 टू जैसे ये 9 है और मॉडुलो 4 लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये 9 सीधा उतर गया और ये यहां पर आ गया, ठीक है, तो ये 2 टाइम पर ये कट जाएगा, ओके। रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो उसको मैं सीधा सीधा यहां क्या लिखता हूं, जरा ध्यान देखिए, तो ये 1 आ रहा है ना, तो 1 इस रिमाइंडर को मैं क्या लिखता हूं, यहां पे देखिए जरा रिमाइंडर को क्या लिखने वाले हैं हम, रिमाइंडर को हम क्या लिखने वाले हैं, ये तो ये 2 टाइम चला जाएगा, पूरा 8 आ जाएगा, इसलिए हम इसका क्या जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो आपके सेट में बंद देखो यू 4 में बिलोंग कर गया, है ना, यू 4 में बिलोंग कर गया, तो आपका जो क्लोजर होल्ड होगी ऐसी जो है G2 भाई, इसमें भी सेम काम होगा, एसोसिएटिव होल्ड हो जाएगी, एसो सीएटी होल्ड हो जाएगी, ठीक है, एसोसिएटिव होल्ड हो गई। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव जानते हैं आप, है ना, तीसरी प्रॉपर्टी होगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जरा इसको जानते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी ग्राउंड में सीधा सीधा आइडेंटिटी। आप ध्यान देंगे जब भी अंडर मल्टीप्लिकेशन फाइनाइट ग्रुप की बात करेगा, फाइनाइट ग्रुप और यूएन की बात करेगा, ऐसे नहीं कुछ भी दे दे फाइनाइट में, यूएन अगर भाई और कोई डिफाइन करके दे सकता है वो बात अलग है, लेकिन अगर यूएन देगा तो उसमें जब तक 1 ना प्रेजेंट हो तब तक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड नहीं होगा। जैसे जेडन में, जैसे जेडन में आपका जब तक 0 नहीं होता था तो आपकी आइडेंटिटी होल्ड नहीं होती थी भाई, +1 +2 है ना, ये +2 +3 है ना, ऐसे इस टाइप का एलिमेंट है ना जेड में, एन टाइप के -1, तो जब तक आपका 0 प्रेजेंट नहीं होता था तो आइडेंटिटी होल्ड नहीं होती थी। ऐसे यहां पर क्या है, जब तक आपका 0 होल्ड नहीं हो, जब तक यहां आपका 1 नहीं होल्ड होगा तो आपका यहां पर क्या नहीं है, आइडेंटिटी होल्ड नहीं होगी, तो 1 कहां यहां पर, 1 ये दिखाई दे रहा, ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या करते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू यू 4 यू 4 देयर एग्जिस्ट देन देयर दिस यूनिक यूनिक आपका एक ऐसा ऐसा बी मिलेगा किसके यू है यू 4 के अंदर, और सच दैट क्या होने वाला है, सच दैट क्या होने वाला है, सच दैट ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी,
आप मोड लो लगा सकते हो, है ना, मोड लो लगा सकते हो। जरा देखना तो a dot b की वैल्यू, सॉरी ये कुछ गलत हो गया, a dot b की वैल्यू जो आने वाली, a dot b की वैल्यू क्या आएगी, a ही आएगी। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है, यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर a की वैल्यू, यहां पे दिखाई दे रहा, ये बताओ किसी एलिमेंट में, किसी एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई करें कि वही एलिमेंट सेम रहे, किसी एलिमेंट में किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें दूसरे से वही एलिमेंट आ जाए तो b की वैल्यू यहां क्या होगा, 1। तो ये क्या है आपका, e की तरह बिहेव करेगा, ये e जो आपका है वो बन है यहाँ पर, और आप जान रहे हैं बन आपका प्रेजेंट है, आपका बन इनटू बन करोगे। जरा देखना मैंने कहा, ये कहा a dot b की वैल्यू a आ गया, तो अब a तो आपका, अब मैंने b की वैल्यू बन फिक्स कर दी तो बन डॉट बन बन हो गया, 3 डॉट बन, देखो जरा ध्यान से क्या आया, 3 आया, तो आपका 4 और एग्जिस्ट कर रहा ना, 4 और, तो ये आपकी प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद आगे चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हम किस में बात कर रहे हैं, u4 में, u4 में आपको क्या लिख रहे हैं, हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखेंगे और 1 3, है ना, इसके बाद बड़ा सेट लेंगे कोई 1 3 है, तो 1 3 में अब इनवर्स जो प्रॉपर्टी होती है g4, कौन सी प्रॉपर्टी, इनवर्स, इनवर्स देखना चाह रहे हैं, इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स क्या होती है, जरा ध्यान देंगे कि 4 और 4 a मेंबर किसका, u4 का, तो देयर जस्ट यूनिक ऐसा b मिलना चाहिए, देयर जस्ट यूनिक b मिलना चाहिए ऐसा किसके, u4 के अंदर भी, सच दैट क्या होना चाहिए, सच दैट a dot b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और मॉडुलो किस पर, मॉडुलो 4। अब ध्यान दें तो 1.1 की वैल्यू क्या है, 1, इसका मतलब क्या है, 1 का जो इनवर्स है वो 1, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आप 3 × 3 की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी, और मॉडुलस क्या लगाओगे यहां आपका, मॉडुलो 4 लगाओगे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब क्या, यहां बाय डिफॉल्ट खुद का इनवर्स खुद ही है, यानी 1 का इनवर्स 1 है और क्या है, 3 का इनवर्स 3 है। तो आपने देखा u4 क्या बना रहा आपका, एक ग्रुप बना रहा है, एक ग्रुप बना रहा है, कैसा, अंडर मल्टीपल केस, ठीक है। आगे मैं एक ग्रुप पे दूसरे पे बात कर लेता हूं, मैंने मान लिया आगे लो ग्रुप ले रहा हूं, मान लिया u10 ले लिया, u10 में कैसे मेंबर आएंगे, u10 में 1 से 10 तक के मेंबर लिए जाएंगे, चलो मुझे लिख ही नहीं रहा मैं 1 से 10 तक के, अब लिख देता हूं कैपिटल सर, एक ग्रुप का लेगा कहां से, u10 से, लो और सच दैट जिसका GCD, जिसका GCD किसका, a का 10 के साथ क्या दे, 1 दे वो आएगा, और a की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 10 और ग्रेटर इक्वल टू 1, और इसकी डेफिनेशन को, यानी 1 से 10 तक के नंबर है ये तो डिसाइड कर रहा 1 से 10 तक के नंबर, लेकिन वो कौन से नंबर आएंगे जिनका GCD क्या है, 1 के साथ, 1 का सॉरी 10 के साथ a का 1 आएगा, है ना, तो एक तो 1 आएगा, है ना, मैं निकाल दे रहा हूं, और क्या 2 नहीं आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, ध्यान दें। तो U10 में कितने मेंबर हैं आपके, U10 में कितने मेंबर हैं आपके, U10 में देखे जाए कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर है ना, और U4 में 2 मेंबर, कैसे मेंबर निकालते हैं हम दिखाते हैं, वो भी बता देंगे। तो इसमें U4 आपको U10 लिखना सिखा दिया, U10 में कौन से मेंबर है आपने देख लिया, U10 में हमारे कौन कौन से मेंबर है ये देख लिया। उसके बाद एक ग्रुप बनाएगा, ग्रुप बनाएगा भाई, सबसे पहले G1 मैं क्लोजर नहीं लिखूंगा, यानी 4 और A और B कहां के मेंबर है, U10 के, तो आपका इंप्लाई होना चाहिए A dot B कहां जाना चाहिए, U10 में जाना चाहिए। जरा देखें ऐसा हो रहा है, अगर 1 × 1 का किसी से प्रोडक्ट करो आपका पहुंचेगा, 1 से तो कर ही नहीं, 1 का 3 से करोगे 3 आएगा, 1 का 7 से करोगे 7 आएगा, 1 से 9 से करोगे तो 9 आएगा। आगे काम करते हैं किस पर, आपका 3 × 3 × क्या करते हो 7 करते हैं, क्या आएगा 21 आएगा, लेकिन 21 तो आपका है नहीं U10 में, 21 तो ग्रो नहीं कर रहा ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मॉडुलो को लगाते हैं, तो क्या करोगे इस पर आप पर 21 पर मॉडुलो कितना 10 ऑपरेट करोगे, है ना, 10 ऑपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम चला जाएगा, रिमाइंडर बना जाएगा, अब बंद तो ब्लो कर गया ना U10 में, है ना, तो आप देखो जरा उसके बाद 3 का जब किससे करोगे 9 से करोगे तो क्या आएगा 3 × 9 क्या आएगा 27 आएगा, और 27 तो है नहीं U10 में, तो मोड लो 10 लगा दी क्या हो जाएगा फुल कितनी बार जाएगा 2 × 20 तो 7 आ जाएगा, 7 ब्लो कर जाएगा किसने U10, ठीक है ये हो गया। तो आप देखो क्लोजर वोल्टेज, जब क्लोजर वोल्ट हो जाएगी तो एसोसिएटिव आपको एसोसिएटिव जो फोर और ए डॉट बी डॉट सी लॉन्ग करेगा किस में U10 में, तो इंप्लाई हो जाएगा, इंप्लाई हो जाएगा कैसा कि ए डॉट बी करो या डॉट सी के साथ करो या ए डॉट बी डॉट और सी करो, है ना, बिल्कुल इनका मीनिंग जो है सेम ही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं हम, अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैं आपको बता चुका हूं कि यूनिट ग्रुप में जब तक 1 नहीं प्रेजेंट होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड नहीं होगी। तो आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है, तो G3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी G3 क्या हो जाएगा 4 और 4 और a belongs to कहाँ से, a belongs to U10
there it is, then क्या हो जाएगा, then there it is, unique ऐसा B मिलेगा, ऐसा B मिलेगा या E कह सकते हो, किसमें U10 में such that क्या हो जाएगा, A dot B की value क्या होने वाली है, A होने वाली है। आपको बता ये कब हो पाएगा जब b की वैल्यू यहां से क्या निकाल रही, b इक्वल टू 1 प्रेजेंट होना चाहिए, किसमें u10 के अंदर, तो b इक्वल टू 1 प्रेजेंट है। आप देखो ना, यहां से आप देखेंगे, यहां आप 1 इनटू 1 करोगे बन आएगा वो, है ना, मैंने भाई b ये b हो गया हमारा और ये a हो गया, चलो उसके बाद 2 ये 3 इनटू 1 करोगे तब भी 3 आएगा, है ना, उसके बाद क्या है, आप देखोगे 7 इनटू 1 करोगे तब भी क्या आएगा, 7 आएगा, यानी ये ये नंबर थे, उसके बाद G4 जो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी होती है ना, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी, जरा ध्यान देंगे इनवर्स वाली प्रॉपर्टी पर, तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि 4 हो, एक ऐसा मेंबर कहां का, U10 का होना चाहिए, देन देयर इज जस्ट यूनिक, देन देयर इज जस्ट यूनिक क्या मिलना चाहिए, B ऐसा मिलना चाहिए जिसमें U10 में such that क्या हो जाए, ध्यान दें such that क्या हो जाए, A dot B की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, मॉडुलो n लगाने, इसे कॉन्कुरेंट भी बोलते हैं, सर कई जगह कॉन्कुरेंट भी बोलते हैं, जरा देखिए कैसे ऑपरेट करेंगे, ध्यान दें 1 इनटू 1 की वैल्यू बनाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो यानी इंप्लाई क्या होता है यहां से कि 1 का इनवर्स कौन है, 1। अब देखो 1 का इनवर्स दूसरा नहीं एग्जिस्ट करेगा कोई भी, क्योंकि यूनिक इनवर्स एलिमेंट होता है। उसके बाद 3 का 7 से करोगे क्या आएगा, 3 * 7 क्या करोगे, 21 हो गया बाय डिफॉल्ट, तो मॉडुलो कितना लगाने पर, मॉडुलो 10 लगाने पर क्या हो जाएगा, ये 1 बचेगा, यानी इसका मतलब किसका मल्टीप्लाई करने पर, 3 का 7 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 10 बन आ रहा, इसका मतलब क्या, 3 का इनवर्स कौन है, 7 है, और एंड यहां कह सकते हैं 7 का इनवर्स आपका आल्सो 3 है। उसके बाद हमने देखा कि 9 का इनवर्स कौन होगा, देखो 9 का इनटू 1 करोगे 9 आएगा, 9 * क्या करोगे, 9 * 3 करोगे क्या आएगा, 27 आएगा, तो आपका मॉडुलो के 7 हो जाएगा, 1 तो नहीं आ रहा ना, 1 तो नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब क्या, 9 का इनवर्स 1 भी नहीं, 9 का इनवर्स 3 भी नहीं है, 9 * 7 करोगे 63 बनेगा, 63 पर मॉडुलो 10 लगा दोगे क्या हो जाएगा, यहां मॉडुलो 10 लगा रहे हैं क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, यहां भी मॉडुलो 10 लगा तभी 7 हुआ, तभी 1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 9 का इनवर्स 1 नहीं है, इसका मतलब ये है कि 9 का इनवर्स आपका 3 नहीं है, इसका मतलब ये है 9 का इनवर्स आपका, 9 का इनवर्स आपका क्या नहीं है, सॉरी यहां ठीक है, 9 का इनवर्स 7 नहीं है, तो कौन है ये 9 का इनवर्स, तो इंप्लाई ये होगा 9 * 9 जैसे करोगे आप, 9 * 9 क्या है, 81 आने का, 81 मॉडुलो क्या लगाओगे आप, मॉडुलो 10 लगाओगे तो 80 टाइम चला जाएगा, और ये क्या जाएगा बना, सॉरी 80 टाइम मतलब 80 बार चला जाएगा, और आप 8 टाइम पर, और उसके बाद क्या हो जाएगा बना जाएगा, इसका मतलब क्या है 9 का इनवर्स कौन हो गया, 9 हमने देखा यहां पर कि 1 का इनवर्स कौन है, यू कैन 1 है, और 3 का इनवर्स कौन बना भैया, 7 बना, 7 का इनवर्स कौन बना, 7 का इनवर्स कौन बना, 7 बना, तो 7 का इनवर्स 3 बना, और 9 का इनवर्स कौन बना, खुद 9, यानी 9 का इनवर्स 9, 1 का इनवर्स 1, 3 का 7, 7 का 3, तो आपने देख लिया डिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होल्ड हो गया, तो हमने जाना तो इससे पहले दिखाएंगे हम, तो इससे पहले हम जानेंगे जरा क्या दिखाएंगे हम, क्या हमने जाना कि U10 जो है आपका, U10 जो था हमारा 1 3 7 और 9 है, ये क्या बना रहा, इज ग्रुप बना रहा है, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, यू मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन, ओवर जरूर लिखना भाई, ओवर मॉडुलो n, है ना, तो हम ये कह सकते हैं यहां से, हम ये कह सकते हैं कि un जो है, जो un सेट है हमारा, un सेट है, है ना, यहां ध्यान देंगे un जो सेट है, इसको जरा ध्यान दे, एक बात और बताने जा रहा हूं मैं, अब ध्यान दे अबेलियन ग्रुप की जब बात करेंगे, तो अबेलियन में आप जरा देखें, अबेलियन कंडीशन जो G5 होती है वो क्या होती है, अबेलियन के लिए 4 किसके लिए, अबेलियन 4 अबेलियन, है ना, अबेलियन के लिए कंडीशन जो होती है जरा देखेंगे, अबेलियन के लिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, G5 क्या 4 हो, ए और बी मेंबर कहां के होने चाहिए, ए और बी मेंबर कहां के, U10 लीजिए भैया, तो इंप्लाई क्या होना चाहिए, इंप्लाई अगर ऐसा हो जाता है कि ए डॉट बी की वैल्यू या सच दैट ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाए, बी डॉट ए के इक्वल हो जाए,
तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जी जो है यू टेन है, यू टेन में क्या हो जाएगा, यू टेन आपका क्या बन जाएगा, इज एन अबेलियन ग्रुप, क्या बन जाएगा, एक अबेलियन ग्रुप बनेगा, है ना, अबेलियन ग्रुप बनेगा। जरा ध्यान देंगे तो आप देखो भाई, 1:3 करो या 3:1 करो कोई फर्क पड़ेगा क्या, सही है भाई, 3:7 करो 21 बनेगा, 21 को 1 लिखोगे, या फिर 7:3 करो आपका क्या आएगा, 21 बन जाएगा, या फिर 7:9 करो, या फिर 9:7 करो, 9:7 करो 63 आएगा, 63 का 3 से इधर बनेगा, 3 इधर बनेगा, मोड लो 10 आएगा। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ से, आप देख रहे हो क्या क्या ये कंडीशन भी होल्ड कर रही है ना। इसका मतलब क्या है, ये यूएन होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, अबेलियन ग्रुप होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। जरा ध्यान देंगे तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और आगे मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, उसको रिजल्ट को जरा ध्यान से देखेंगे, रिजल्ट को जरा ध्यान से देखेंगे। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि जो यूएन है हमारा, यूएन है ना, यूएन क्या बना हमारा, सॉरी यू कैन बी यूएन, यूएन यूएन ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका जीसीडी, जीसीडी किसका, ए का एन के साथ वन आए और ए लेस देन एन हो, ग्रेटर देन वन हो आपका, तो जो मॉडुलो मॉडुलो एन अंडर किसमें है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो यूएन हमारा एक ग्रुप बनना है, कैसा ग्रुप बनना है, कैसा अबेलियन ग्रुप है, और कैसा ये फाइनल ग्रुप है अबेलियन भी अंडर मल्टीप्लिकेशन। एक रिजल्ट और लिखने जा रहा हूं, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट क्या है, किसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है, जो यूएन आपका यूएन रिजल्ट लिख देते हैं इसको, रिजल्ट रिजल्ट क्या है जरा देखेंगे, जो यूएन है हमारा, यूएन में जो एलिमेंट है ये कहां से, नेचुरल नंबर से, है ना, जिसका जीसीडी किसका, ए और एन का क्या है, वन है, और ए कहां से लिया गया है, नेचुरल कलेक्शन है, नेचुरल नंबर का कहां तक, एन तक, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, देन 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 नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स कितने होंगे भाई, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ये कह सकते हैं एलिमेंट इन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इन यूएन, जो यूएन में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, आपको एडर्स आइटम्स में पढ़ा चुका हूं, तो फाइव एन के ऊपर होंगे। जरा देखें है ना, इस रिजल्ट को बड़ा ध्यान से देखेंगे, इसको भी याद रखना, इसको भी याद रखना, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूएन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूएन कितने होंगे हमारे, कितने यूएन में फाइव एन होंगे, जैसा कि यू फोर में निकाल देते हैं, ध्यान दें यू फोर में आपको बताया था कैसे लिखते हैं भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट यू फोर में कितने, U4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल, तो ये 5n के इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी U5 को, 5n को कैसे लिख सकते हो, 5 2 का स्क्वायर, और आपको पता है प्राइम का पावर है, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 माइनस 1, यानी क्या बनेगा, यहां से 4 और यहां से 1, 4 और ये सॉरी 2 आएगा, 4 माइनस 2 2 एलिमेंट। अरे U4 में आप जानते हैं ना कौन कौन से एलिमेंट थे, एक आपका 1 था, एक 3 था, दो एलिमेंट कौन से बने, ये जो दो एलिमेंट आए हैं वो ये बने। अब यू टेन में देखिए, हमने यू टेन में कितने एलिमेंट थे भैया, हमने अभी सेकंड एग्जांपल, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, यू टेन, चलिए मैंने आपको बताया था कि यूनिट ग्रुप क्या होता है, ये सब बता चुका हूँ। तो यूनिट ग्रुप आपका ये सबसे पहले ग्रुप बनाता है, और ग्रुप भी कैसा बनाता है, यूनिट ग्रुप जो आपका सबसे पहले ग्रुप बनाता है, और ग्रुप भी कैसा बनाता है, ध्यान दें तो ये कैसा है, जो यूएन है आपका, पहली बात हम यूएन क्या है हमारा, यूएन क्या है, क्या है, फाइनाइट, ऐसा लिख सकते हैं, फाइनाइट 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 ग्रुप है, ग्रुप फाइनाइट ग्रुप है ना। अब इसका ऑर्डर, बात यूएन के फाइनाइट ग्रुप पे पहली बात क्लियर कर आई, दूसरी बात क्लियर कर आएगी, फाइनाइट ग्रुप पे तो इसका ऑर्डर होगा, तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होता है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट जिस किसी सेट में होते हैं, तो आपका ऑर्डर की बात करें, वो फॉर ऑर्डर किसका, यूएन का, यूएन का जो ऑर्डर होगा, यूएन का जो ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपका 5n के इक्वल होगा, 5n के इक्वल होगा। अगर इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें, अगर इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें, e इक्वल टू 1 होगा, और फाइनाइट ग्रुप भी कैसा होगा, ये आपका फाइनाइट ग्रुप भी कैसा होगा, ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा, क्या होगा, ये फाइनाइट फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, है ना। और अंडर मल्टीप्लिकेशन बात हो रही है, ये तो पता ही है आपको, ये किस में हो रही है, अंडर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, है ना। तो ये ओवर, ये क्या बनाता है, ये देखिए ध्यान से, ये ग्रुप बनाता है, ग्रुप या अबेलियन ग्रुप लिख सकते हो,
जो यूएन है आपका, जो यूएन है आपका क्या बनाता है, हमने यूएन अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन प्लीकेशन है मल्टीप्लिकेशन ओवर ओवर देखो कितना भाई बोट लो एन कितना हो रहा है बोट लो है ठीक है। अब इसका ऑर्डर की जब बात की तो ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने देखा था इससे पहले कि U4 में ऑर्डर क्या निकल कर आया, U4 का ऑर्डर देखना चाहते हैं हम तो क्या करेंगे, U4 का ऑर्डर देखना चाहते हैं तो 5-4 और 5-4 मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, इसमें एलिमेंट कितने आते हैं 2। अगर ऑर्डर किसकी U10 की बात करें कि U10 का ऑर्डर क्या है, U जो आपका ग्रुप है G = U10 है तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है इसकी बात करें तो आपको पता है 5-10 और 5-10 की वैल्यू क्या है, यानी ये क्या है, ये 20 ऑर्डर, यानी किसका ऑर्डर U25 का ऑर्डर कितना हो गया, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है इसमें, ये होता है। और इनवर्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं, कोई एलिमेंट है उसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा A का, ये जो है A इनवर्स अगर B का तो इंप्लाइड होगा इन किसमें, इन UN है ना, UN इंप्लाइड क्या होगा कि A डॉट B की वैल्यू क्या होगी आपकी, वो बन आएगी कॉन्ग्रुएंट वन मॉडुलो ऑफ N, मॉडुलो ऑफ N ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से ये कहानी है, तो आपने जान लिया जो यूएन होता है, हमने जाना है यहाँ पर जो यूएन है हमारा, यूएन क्या है, पहली बात यूएन एक फाइनाइट ग्रुप है, दूसरी बात फाइनाइट भी ग्रुप कैसा, अंडर मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन नहीं है, तीसरी बात ये निकल कर आई हमारा कि ये फाइनाइट ग्रुप हो गया, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप हो गया, इसका ऑर्डर की बात करेगा तो ऑर्डर ऑफ यूएन किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 5n के इक्वल हो जाएगा, और तीसरी बात ये निकल कर आ रही है यहां से कि आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा इसमें वो बन जाएगा ठीक है। यहां तक हम बात करते हैं यूनिट ग्रुप की, बाकी आप जैसे एक मैं लिख के दिखा देता हूं आपको कि भाई अगर किसी एलिमेंट जैसे सपोज यू हमने ले लिया, अभी यू 25 ही लिखा हमने, U25 में कितने एलिमेंट थे, तो U25 में जो एलिमेंट है इसके ऑर्डर की बात करूं, U25 में मैंने अभी देखा यहां से U25 में कैसे ऑर्डर है, तो U कितना था, U की जगह 5 हो जाएगा, U25 इसका ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ U25 के ऑर्डर की बात करूं मैं तो कितना हो जाएगा 525 का मतलब अभी हमने निकाला 20 का, अब 20 का एलिमेंट कौन-कौन से वाले हैं, U25 जरा देखिए ध्यान से U25 में जो ऑर्डर है, अब जरा देखते हैं कौन कौन से आने वाले, 1 आएगा बिल्कुल आएगा, 2 आएगा बिल्कुल आएगा, 3 आएगा बिल्कुल आएगा, उसके बाद 4 आएगा, 4 इसके साथ GCD बन देना चाहिए ना बिल्कुल आएगा, 5 आएगा नहीं आएगा क्योंकि 5 और 25 का GCD क्या आएगा 5 आएगा, 6 बिल्कुल 6 3 आ जाएगा 6 है ना, उसके बाद 7 आएगा 7 भी आएगा, 8 आएगा 8 भी आएगा, उसके बाद 9 आएगा, इसके डिवाइजर जो है इसके डिवाइजर बस और 5 और 25 ही तो है 25 ये तीन डिवाइजर नहीं है चाहिए, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, 12 हां तो आएगा तो 12 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, 14 प्राइम नंबर तो सारे आएंगे, 14 आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 आ जाएगा, 17 आएगा, 18 आ जाएगा, उसके बाद 19 आ जाएगा, 20 नहीं आएगा 5 आ जाएगा, 21 बिल्कुल आएगा, 22 बिल्कुल आएगा, 23 बिल्कुल आएगा, 24 बिल्कुल आएगा, आप चेक कर लो 20 होंगे, ये यहां से आता एलिमेंट आपके कितने हैं 20 हैं, चेक कर लो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो आपका जो ऑर्डर था 20 वो उसमें जो एलिमेंट थे 20 वो कौन से वाले हैं वो आपके ये एलिमेंट 20 है ना, लेकिन ऐसा थोड़ी ना निकालने जाओगे, आपको रिजल्ट ध्यान होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं, यहां लिख सकते हैं रिजल्ट ये बना के, रिजल्ट जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं वैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें एलिमेंट्स इन यूएन जो होंगे वो किसके इक्वल है
यूएन, सॉरी यूएन में, यूएन में नंबर ऑफ एलिमेंट, यूएन में किसके इक्वल हो जाएंगे, फाइव एन के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हम ऑर्डर निकालेंगे इस तरीके से। तो आपका यूएन क्या है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, जिसकी आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका।